मध्य प्रदेश उमरिया जिला मुख्यालय के स्थानीय सामुदायिक भवन में विगत दिनों विकास पर्व कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें जिला कलेक्टर सहित अधिकारी कर्मचारी पूरा जिला प्रशासन मौजूद था एवं भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद थे, जहां सैकड़ों हितग्राहियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोजेक्टर के माध्यम से अपना संदेश दे रहे थे। उसी समय दर्जनों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और सामुदायिक भवन परिसर में नारेबाजी करते हुए सामुदायिक भवन के सभागार में प्रवेश कर गए। उसी दौरान कलेक्टर के सुरक्षा गार्ड ने कांग्रेसियों को रोका, लेकिन सुरक्षा गार्ड से धक्का मुक्की करते हुए सामुदायिक भवन में घुसकर जिला प्रशासन की मौजूदगी में कलेक्टर के सामने काफी समय तक नारेबाजी करते रहे, जिन कारणों से मुख्यमंत्री का लाइव प्रशासन संदेश प्रभावित हुआ, वही भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में नाराजगी का असर देखा गया। मुख्यमंत्री संदेश कार्यक्रम के दौरान ही कांग्रेसी कार्यकर्ता हंगामा करते हुए सामुदायिक भवन से बाहर आए और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने लगे। पुतला दहन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पुतले पर अपने जूतों से वार करने लगे, जो स्वच्छ राजनीति एवं लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। मौके पर मौजूद इस बात की लिखित शिकायत नगर पालिका CMO के द्वारा उमरिया थाने में दर्ज कराई गई। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि कांग्रेसियों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व गुंडे थे, जिनके ऊपर आपराधिक मामले कायम हैं। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेसियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष सिंह ने भाजपा की बैठक बुलाई और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेसियों की इस गुंडागर्दी के विरोध में कोतवाली का घेराव करते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत तत्काल FIR कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुलिस से मांग की है। प्रदर्शन घंटों तक चलता रहा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोतवाली पहुंचे तो उन्होंने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द से जल्द पहचान कर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। मांग की है कि कल घटनाक्रम हुआ था, वहाँ पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किसी ग्राम की जल समस्या को लेकर ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो वहाँ ज्ञापन देने के साथ साथ नारेबाजी की, साथ में विकास कहाँ है का पुतला दिया। उस पर से CMO की रिपोर्ट पर से कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 3 नामजद और 4-5 अन्य आरोपी, उसमें से अभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, अन्य की तलाश जारी है। उनकी मांग है कि इसमें सख्त धाराओं में कार्रवाई हो, इस संबंध में विभाग को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं, कार्रवाई की जा रही है। देश के मुखिया के विरुद्ध से जो कार्य किया है बहुत ही निंदनीय है, और ऐसा कार्य जो शासकीय कार्यक्रम के समय अंदर घुसकर के किया गया है, उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए जो आज कांग्रेसी युवक ने किया है, और निश्चित रूप से एक समाज के लिए और हमारे पार्टी के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है जो ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। इसलिए हम सब एकजुट होकर के और उनके खिलाफ खड़े हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कल की जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव प्रसारण विकास पर्व के रूप में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ कार्यक्रम उनका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, उस बीच कांग्रेस के कुछ असामाजिक तत्व सरकारी कार्यक्रम को बाधा पहुंचाते हुए अंदर प्रवेश कर गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी लगाए, जिसमें ज़्यादातर कांग्रेस के गुंडे थे उसमें, जिनके खिलाफ FIR थाने में दर्ज है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा करके अंदर घुसे। आज का ये प्रदर्शन हमारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था और हम पुरजोर मांग करते हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी शांत नहीं होगी। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को ये अवगत कराया है कि ये असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वहाँ आगजनी किए, सरकारी कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न किए, उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन करेगी इस उमरिया जिले के अंदर।